हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं बेबी की माँ लेस, क्योंकि जब मम्मी नहीं थी तब मैं भी करती थी, दोनों टाइम करती थी। क्योंकि सुबह उसको नहलाती थी उस टाइम पे करती थी, और उसके बाद शाम में करती थी, और अगर बीच में मुझे टाइम मिलता था तो मैं तब भी करती थी। तो मम्मी आ गई हैं तो मेरा ये काम तो कम हो गया है, नहलाने धुलाने का सारा काम ही कम हो गया है वैसे। और यहाँ पे देखो बेबी कितना एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे मम्मी से बोल रही थी, मम्मी इसने आँखें कैसी कर ली, इसने आँखें कैसी कर ली। तो मम्मी कह रही थी कि बच्चे हैं, और मैंने इसकी आँखें ख़राब तो नहीं हो गई। मम्मी कह रही बच्चे हैं, इधर उधर कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी एक जगह स्थिर नहीं रहती ना आँखें, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मम्मी उसको मालिश कर देंगी, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और बच्चों की मालिश करते रहना चाहिए, जिससे वो थोड़ा स्ट्रांग बनते हैं। तो यहाँ पे मम्मी इतना पाउडर लगा देती हैं, क्या ही बताऊँ मैं। तो लक्ष्य को मम्मी ने नहला धुला के भेज दिया है स्कूल। अब लड्डू की बारी है, उसको थोड़ा पैम्पर किया जाएगा। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि आप आए हो, आदत लगा के चले जाओगे फिर मुझे परेशान करेगा। मम्मी इसको थोड़ा भी गोद में लेती थी ना, उसके बाद इसको ये लगता था कि मुझे रखो मत, मुझे गोद में ही लो। लड्डू पार्थ, ए बेटू पार्थ, तो चाय पानी करने के बाद अनिल चले गए थे बाहर। बाहर से आने के बाद मैंने उनसे बोला कि बेबी के साथ थोड़ा समय बिताओ, जब से मम्मी आई हैं तब से तुम बेबी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, वरना तुमको भूल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ तो गए मेरे कहने से, लेकिन फ़ोन में चला रहे हैं मैच, क्योंकि भाई मैच तो लड़कों का फेवरेट होता है, छोड़ ही नहीं सकते मैच को। तो देखो आजकल के भी बच्चे ना, देखो मोबाइल में कैसे नज़रें गड़ा के बैठा हुआ है। मैं इनसे बोल रही हूँ कि उसको आदत मत लगाओ, उसके पास मोबाइल बिल्कुल भी मत आने दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून नहीं हुआ अभी। तो अभी क्या है कि ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सदर। तो ये जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, लड्डू के लिए, और ना? और इसके लड्डू के नहाने के लिए टब लेने के लिए, क्यों? और भी दो चार आइटम है, देखो क्या लेके आए, आपको साथ शेयर करूंगी क्या लेके आएंगे। लड्डू भाई सब सो जाओ। सुनो सुनो, वो बटन वाली दुकान है ना, बटन वाली दुकान है ना, वो छोटी वाली जहाँ से लक्ष्य मास्क देख रहा था, सुन तो लो पूरी बात। वहाँ से व्हाइट कलर की छोटी छोटी बटन ले आना, व्हाइट कलर की 5 बटन, ठीक है? मम्मी कुर्ता से लेंगी बेबी का। राधे श्याम ट्रेडर्स सदर बाजार, यहाँ पर आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मसाले भी रखते हो ना? ड्राई फ्रूट बारे मसाले पूरा सामान मिलता है। तो ये यहाँ पे हर क्वालिटी का बादाम है, ये 700 रुपए है, ये 800 रुपए है, ये 1200 का है, ये काजू है जो 800, 1000, 1200, ऐसे हर क्वालिटी का माल मिलेगा। और यहाँ पे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स और वैसा आइटम है जो किराना स्टोर के रहते हैं, बाकी होल सेल रेट पे ही मिलता है, ये कोई खैरेज रेट वाला नहीं है यहाँ पर। तो मैंने अपनी लिस्ट इनको दे दी है, ये माल उससे तैयार करवा रहे हैं। अब यहाँ लेने आया हूँ मैं बेबी के लिए टब, और मुझे थोड़ा अच्छा क्वालिटी में चाहिए। ये बाल्टियाँ रखी हैं, टब मुझे यहाँ पर सिंपल से दिख रहे हैं, पर अंदर बहुत बड़ी दुकान है। तो मैं अब अंदर तलाशता हूँ इनसे और देखता हूँ कौन सा टब देंगे। तो अभी ना कुछ दिनों से ही बेबी हंसने लग गया है। जब छोटा था ना बेबी, तो मैं अपनी सासू माँ और इनसे बोलती थी कि कब हंसना शुरू करेगा, जल्दी से करे ना, कब बड़ा होगा। और अब मैं बोलती हूँ कि जब मैं बाहर जाऊँगी या इसकी नज़रों के सामने से हटूँगी तो ये कब रोना शुरू करेगा। तो अनिल बोल रहे थे सब शुरू करेगा, अपने टाइम से ही शुरू करेगा, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है मुझे पता ही नहीं लग रहा, सच बताऊँ तो इतना अच्छा लगता है इसके साथ टाइम निकल जाता है। और मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी रेगुलर ब्लॉग डाला कीजिए। मैं गैप इसलिए कर देती हूँ कि थोड़ा आप लोग भी बिजी होंगे शायद इसलिए, तो फिर मैं भी लड्डू को समय दे देती हूँ, इसलिए मैं रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मम्मी बीवी को लेके जा रही हैं बाहर रेलिंग पे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा धूप दिखाना भी ज़रूरी है, जिससे उसकी ना आँखें एकदम बाहर निकलेगा तो खुल नहीं पाएंगी, इसलिए। तो मम्मी डेली इसको लेके जाती हैं 5 या 10 मिनट के लिए बाहर, और यहाँ पर बीबी सो गया है, अनिल जा रहे हैं ऑफिस। बाय बाय। हे एवरीवन, वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ नेचर से वर्कअप पोस्ट एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल, जो कि मैं कुछ समय से इसको यूज कर रही हूँ। मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि दीदी ब्लॉग में आप शेयर किया कीजिए स्किन से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ। तो मैं कुछ टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, और जैसे कि आपको पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपकी स्किन इतनी अच्छी है और आपके तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सबकी स्किन में होती है। एक्ने मार्क्स प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स की, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई, ये तो कॉमन है हर मतलब 98% लोगों में, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, गर्ल्स हो, हर किसी में मिल जाएगी। तो मुझे भी पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। ये होता क्यों है, जैसे कि आपको पता है आपकी स्किन पे इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ना हमारे ब्लैकहेड्स एंड फैटहेड्स हो जाते हैं ओपन पोर्स की वजह से। तो मैं जब 9 मंथ चल रहा था ना, उस टाइम पे इतने ब्लैकहेड्स हो गए थे बहुत ज्यादा, तो फाइनली मैं इसको तब से यूज कर रही हूँ और मुझे अभी काफी कम है। नेचुरल चीज है ना, पर मैं काफी बिलीव करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। हमारी दादी नानी के जमाने में आपने देखा होगा कभी उनकी स्किन पे डार्क सर्कल नहीं हुए, पिंपल्स नहीं हुए, आपने कभी किसकी स्किन पे देखे? मैंने तो नहीं देखे। मैं उनसे अक्सर पूछती रहती थी कि आपकी स्किन इतनी शाइनिंग क्यों मार रही है, तो हमेशा वो बोलती थी कि हम लोग ना ये क्रीम व्रीम नहीं लगाते ऐसे करके, क्योंकि इनमें केमिकल रहता है इस वजह से। तो अभी फाइनली मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये एकदम नेचुरल फेशियल ऑयल है। और नेचर स्वेयर ने ना अब फेशियल ऑयल में 30 ml का भी पैक लॉन्च किया है, सब कुछ है, बस वो छोटी बोतल है जिससे पॉकेट फ्रेंडली, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसको कैरी करके लेके जा सकते हो। और कस्टमर फीडबैक में 75% लोगों ने फेशियल क्रीम की बजाय फेशियल ऑयल को ज्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि एकदम नेचुरल है इसलिए। तो पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल को खास बनाता है उसका इंग्रेडिएंट्स, जो कि है मोरिंगा ऑलिफेरा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, ये एक नेचुरल हर्ब है, आयुर्वेदा में इसका काफी यूज किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। मोरिंगा ऑलिफेरा में विटामिन ए सी अच्छी क्वांटिटी में होती है, जो कि हमारी स्किन पे अगर ओपन पोर्स है, एक्ने मार्क्स है, पिंपल्स है, डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम है, तो उसे प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसे ना मैन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली वुमेन ही करेंगी, मैन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको 40 डेज तक तो यूज करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज यूज करते हो, अगर उसका बेटर रिजल्ट चाहते हो आप, तो उसको कुछ समय देना होता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही सही हो जाता है। आप लोग मेरी स्किन देख ही सकते हो, इसको यूज करने से स्किन एकदम हाइड्रेटेड एंड स्मूथ रहती है। इसको आप एज ए सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, अगर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया उसके बारे में ज्यादा जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहां पे आप जाइए, फॉर्म फिल करिए, तो वो लोग ना आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे, जो कि नेचर स्वेयर के थ्रू डॉक्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि फ्री कंसल्टेशन रहेगी, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस वाले प्रोडक्ट की, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्किन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके वो लोग ना आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, मम्मी बेबी को रिलाने के लिए ले गई हैं, तो मैंने बोला मम्मी बहुत दिन होगा जब से आप आई हो, जब से मैंने बेबी को ना ही तैयार किया है ना ही नहलाया, तो मुझे याद आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप नहलाओ आज बेबी को तैयार, मैं करूँगी, मुझे ऐसे याद आने लगती है, पता नहीं। कल मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मैं नहलाऊँगी बेबी को, तो मम्मी कह रही नहीं मैं नहला देती हूँ, तो बस मम्मी नहला रही हैं, फिर मैं तैयार कर दूँगी, फिर लक्ष्य आ जाएगा स्कूल से, आवाज़ आ रही होगी, सो रहा था थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने बोला मम्मी अभी नहला दो, रोने लगा थोड़ा सा। तो चलिए, और आजकल प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो मेरे पेंडिंग में डले थे, मैं धीरे धीरे मम्मी से करवा रही हूँ, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और लक्ष्य भी सारे दिन नानी से चैटता रहता है, यानी कि, और जैसे ही मैं बोलती हूँ मम्मी तो जाने वाली हैं, तो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी। तो लड्डू हो चुका है तैयार, और आज मैंने बनाई है लड्डू को फ्रॉक, क्योंकि ये फ्रॉक छोटी हो जाती और फुल है, इसलिए मम्मी बोल रही थी इसको फुल कपड़े पहनाया कर, तो आज मैंने बनाई हुई है फ्रॉक लड्डू को, और आज लड्डू को मैंने तैयार किया। तो मम्मी ने नहीं लाया, लेकिन तैयार इसको आज मैंने किया है, क्योंकि मुझे याद आ रही थी। अब मैं सोच रही हूँ इसके नेल कट कर दूँ, क्योंकि अभी ये सो रहा है, लक्ष्य के भी नेल कट करने, अपने भी करने हैं।
तो हमारा लड्डू अब चैन की नींद सो जाएगा, फिर रात को हमको उठाएगा जगाएगा। अनिल की तो खैर नींद पूरी हो पा रही है। ओहो मेरा बेटा, ए भैया लड्डू बेटू, अब नहीं सो के बिल्कुल भी उठने वाला, ये जागने वाला नहीं है। ये मेरी लड्डू रानी है, फ्रॉक पहनी है। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं एप्पल कट लक्ष्य के लिए और मेरे लिए। लक्ष्य स्कूल से आ गया था जब, फिर उसने होमवर्क वगैरह किया और लक्ष्य इतना ज़्यादा खुश है ना नानी के आने से। यार बच्चे नानी दादी आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मी हमको डांटेंगी नहीं, थोड़ा मतलब ऐसा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। उसके बाद यहाँ पर मम्मी लड्डू को खिला रही हैं, साथ में लक्ष्य भी है। और सच बताऊँ तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी मेरे यहाँ पर आएंगी। रीज़न मैंने आपको बताया ही था कि क्यों, बट फाइनली मेरी मम्मी आ गई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सच बताऊं। लड्डू पार्थ, गाड़ी चला रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लड्डू महाराज फ्रेश हो चुके हैं, मालिश हो चुकी है और अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह। हेलो लड्डू पार्थ, हेलो बोलो सबको। बेबी बेबी हेलो बोलो सबको, सबको हेलो बोलो। ये लक्ष्य की तरफ ही देख रहा है। हेलो लक्ष्य, तुम इससे बात करो दूर से, टच ले नहीं कर रहा सर। बोलो। डांगिया खेल के आए हैं, डांगिया 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 डांगिया। और इसके डिम्पल पड़ता है तुम्हारे का, ठीक है? ऐसी ऐसी बेटू, पापा सो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ओ भैया गाड़ी खेल रहा है, गाड़ी खेल रहा है मेरा लड़की तो। कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है लक्ष्य। ये कुर्ता पजामा काला काला कुर्ता पजामा, टच मत करो। असराय, अच्छा असराय के रो रहा है ये, असराय रो नहीं रहा। अच्छा इससे रग रग से वापस, इसकी आंखें इसके पापा जैसी गई हैं थोड़ी थोड़ी। हंस रहा है कि रो रहा है पता नहीं क्यों लड्डू। ओ भैया मेरे राजा बाबू पार्थ लड्डू, क्यों ना भैया भैया। अच्छा अच्छा हाथ पकड़ लिया लक्ष्य का, हाथ पकड़ लिया भैया का एक महीने बाद। अच्छा इसको नींद आई है अभी, बहुत टाइम हो गया, 4 बजे का उठा हुआ है, तब से मम्मी रख रही थी। अभी मम्मी ने मुझे उठाया कि इसको दूध पिला, फिर मैंने इसको दूध पिलाया, इसकी थोड़ी सी मालिश करी। नो बेबी अभी वो इतना इतना बड़ा नहीं हुआ।